हेलो फ्रेंड्स, पिछली छोटी सी एक वीडियो में हमने विल के मेजॉरिटी पॉइंट्स कवर कर लिए थे। एक दो बातें रह गई हैं। एक तो ये कि जब आप विल रजिस्टर करवाएंगे तो दो विटनेस होने बहुत ज़रूरी हैं। ये मेरी अपनी तरफ से पर्सनल सलाह है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो बेनिफिशरीज हैं अगर वही विटनेस हों तो ज़्यादा अच्छा है, और ख़ासकर अगर किसी को छोड़ दिया है बट उसने अपनी मर्जी से फिलहाल एग्री किया है कि हाँ मुझे छोड़ दो। सपोज तीन बच्चे हैं और आप दो के फेवर में विल लिख रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा थर्ड की विटनेस जरूर करा लो, कल को वही ऑब्जेक्शन रेज ना करे, है ना। तो विल जो है वो प्रॉपरली साइंड हो, विटनेसेस हो, जो विल लिखता है उसको टेस्टेटर बोलते हैं। विल किसके फेवर में होगी, क्या जरूरी है फैमिली मेम्बर्स के ही हो? नहीं, फ्रेंड्स के फेवर में भी हो सकती है, किसी ट्रस्ट के फेवर में भी हो सकती है। एक बार अगर विल क्रिएट कर लिया तो क्या उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप चेंजेस कर सकते हैं। कॉडिसिल एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके थ्रू माइनर चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल ही नई लिखनी हो तो हाँ, दोबारा भी लिख सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में अगर आपने एक से ज़्यादा बार विल लिखी है, एक से ज़्यादा बार विल रजिस्टर करवाई है, तो जो लास्ट होगी वो वैलिड मानी जाएगी। यानी एक तरह से अगर किसी ने एक विल लिखी और फिर दूसरी विल भी लिख के उसको भी रजिस्टर करवा दिया, तो द सेकेंड विल रिप्लेस द फर्स्ट वन। फिर फर्स्ट में जो भी लिखा था वो खत्म। ठीक है, आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू।